हमारे बेस्ती में होगा, बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी है, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हमारे पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। ताजिक मामला तू अभी अंदर आता जब डेली। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। एक गलतफहमी बहुत हो रही है लोगों को कि 21 के बाद लॉकडाउन में छूट है। नहीं, मैं यही स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से, कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। सरकारी कार्यालय खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, आपातकालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, कुछ कामों में सरकार ने छूट दी है उस कामों से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। उनको रोड पर गाड़ी से मोटरसाइकिल से चलते हुए देखकर ये ना समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं, कहीं निकल सकते हैं। नहीं, आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 3 मई तक बाहर मत निकलिए। और जो निकलते हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होती है आपको बताने की जरूरत नहीं। बिहार में मजबूर होकर के लॉकडाउन के उल्लंघन में एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी पर FIR करना पड़ा, उनको निलंबित होना पड़ा, BDO और CO पर FIR करना पड़ा, एक वरीय मंत्री के PA पर FIR करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। तो सरकार इस मामले में कितना सख्त है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी के लिए भी, आम आदमी के लिए 3 तारीख तक बाहर घर से नहीं निकलना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं पुलिस के अपने SP लोगों से कहना चाहता हूं, डाउन द लाइन नीचे क्लियर करें। कहीं कहीं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है, कहीं कहीं इनोसेंट लोग जो जरूरी काम से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवा लेने जा रहे उनके साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है। बहुत कम ऐसी घटनाएं बिहार में हुई, लेकिन एक भी ऐसी घटना होती है तो हमारा नाम खराब होता है, बिहार पुलिस का नाम खराब होता है। किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं। आइडेंटिटी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं, अनावश्यक उनसे न उलझें और जब भी निकलें ग्रुप में न निकलें, अकेले अपना ID कार्ड लेकर के ही निकलें और विनम्रता से शालीनता से वो पेश आए, जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आम आदमी भी कोई परेशान न हो, निर्दोष पर किसी पर लाठी नहीं चलाना है। पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। जो मनचले हैं, बदमाश हैं, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोगों के साथ जितनी आप सख्ती कर सकते हैं आपको सख्ती करने की छूट है, लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से विचार करके कि किसके साथ कितना क्या कार्रवाई करनी हो करें, ताकि कोई जनता में पुलिस के खिलाफ गलत मैसेज नहीं जाए। और जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कोरोना वॉरियर्स जो, चाहे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे डॉक्टर हों या पुलिस हों, बहुत तनाव में वो काम कर रहे हैं और आपकी सेवा में जुटे हैं, उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार न करें। अगर उनसे छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो उसको इग्नोर करें, बड़ी गलती तो हम भी नहीं छोड़ते, लेकिन उनको सम्मान दें। वो अपनी जान हथेली पर लेकर के आप लिए लड़ रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी पुलिसकर्मी पर, किसी डॉक्टर पर कोई पत्थर फेंक दे, कोई हमला कर दे, क्योंकि ऐसा जो भी करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके साथ बहुत ही सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं और अपने पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूं, सुनो सिपाही भाई, हवलदार भाई, थानेदार भाई, DSP इंस्पेक्टर और SP साहब, लोग कुछ ऐसे हैं जो सांप्रदायिक पोस्ट करके और किसी तरह से दो समुदायों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है, जो पोस्ट करता है उसको तुरंत दबोच लीजिए, मुकदमा कीजिए, गुंडा रजिस्टर में उसका नाम चढ़ाइए, केस में चार्जशीट करिए, स्पीडी ट्रायल कराइए, ताकि वो जीवन में ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। एक बार ये हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत ही
संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं नौजवानों से अनुरोध करता हूं, चाहे किसी समुदाय के हों, किसी तरह के बहकावे में आकर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें, कोई अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखिए, पत्रकार हमारे स्तंभ हैं, उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पोर्टल खोल खोल करके और गलत न्यूज अफवाहें फैलाते हैं। कम हैं लेकिन ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी है, वो अगर मीडिया के चौथे स्तंभ हैं तो उनकी जिम्मेवारी है। कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैला सकता अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग हैं, तो ऐसे जो कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करें और विचार करके उन पर कार्रवाई करें। और मैं फिर यह कहना चाहूंगा, किसी भी स्थिति में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखना है। ये ऋषियों मुनियों बलियों की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। हिंदू मुसलमान यहां हमेशा सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्रेम और सद्भावना और एकता के साथ इसको बनाकर रखना है। पुलिस का सहयोग कीजिए और पुलिस के लोग आप जनता का सहयोग करें, जो बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, दवा की जरूरत है, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। जनता का दिल जीतिए, सेवा से जीतिए, केवल लाठी चला कर दिल नहीं जीत सकते। तो मैं जनता से और आम पब्लिक से जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तमाम पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें। मुझे आपका प्यार, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके साथ अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, किसी तरह की कहीं कोई गलती होती है आप हमको बताएं, हम उसका संज्ञान लेंगे। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।